अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। आप देख रहे हैं दरानी एफ ऑटो इलेक्ट्रिशियन। आज हमारे पास गाड़ी है BMW, इसमें कुछ लाइट्स वगैरह आ रही हैं, थोड़ा मसला है मिसिंग वगैरह का, हम ये चेक करेंगे आज, इसके जो है ना कोड वगैरह क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे लॉन्च X431 Pro में जो ना इसके फॉल्ट कैसे क्लियर होंगे और क्या इसका हिसाब किताब है। हमारे पास ये है एप्लीकेशन लॉन्च X431 Pro, ठीक हो गया। ये जो ना यूरोपन में आएंगे, ये BMW, ये यहाँ पर ये ओके, ये BMW की जो ना टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज है आम गाड़ियों के नस्बत। मर्सिडीज़ की लैद है, BMW की लैद है, हम ऑटोमेटिक सर्च करेंगे इसे, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे ओके, यहाँ पे 16 पिन सॉकेट, ठीक हो गया। ये BMW है 2004 मॉडल, आप देख सकते हैं ये, ठीक हो गया। ये इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन आ गया गाड़ी की, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है ना। वो कह रहा है टर्न द इग्निशन स्विच ऑफ, इग्निशन स्विच ऑफ कर दो, ये इग्निशन स्विच ऑफ हो गया इसका, ठीक है ना। वो कह रहा है 10 सेकंड जो है इसका वेट करो, ठीक है ना। हम 10 सेकंड वेट करेंगे फिर इग्निशन स्विच ऑन करेंगे, ठीक है ना। जो ये कमांड मांगे वही कमांड देनी है, जो गलत अगर कमांड दी तो ये ठीक से जना स्कैन नहीं करेगा, एरर देगा, दे देगा एंड में। अब हमने इसका 10 सेकंड वेट करना है, फिर इग्निशन स्विच ऑन करना है, फिर जो है ना नेक्स्ट प्रोसीजर में आना है हमने। बाकी ये जो BMW गाड़ी है ये बिल्कुल ओके है, बहुत फिट गाड़ी है, ठीक है ना। ये 10 सेकंड हो गए हैं, अब हमने इसका इग्निशन स्विच ऑन किया, ये इग्निशन स्विच ऑन हो गया, ठीक है ना। ये फिर प्रेस ओके, ठीक है ना। ठीक है, ये अभी इसका लोड हो रहा है सारा, ये थोड़ा टाइम लेता है। बाकी ये है कि जो BMW है ना वो मज़ा किसी में नहीं है, बेशक मर्सिडीज भी है, ऑडी भी है, हर गाड़ी की जो है ना अपनी क्रेज है। मुझे बहुत पसंद है ये BMW और ऑडी, मर्सिडीज इतनी खास पसंद नहीं है। BMW की लुक, हालांकि 4 से 5 मॉडल है, और इसकी जो लुक है वो देखें, इसका इंजन, सस्पेंशन, फीचर्स, कमाल। ये जो है ना अब इसकी लोडिंग कम्प्लीट हो गई है तकरीबन, ठीक हो गया। अब हम इसके ना हेल्थ रिपोर्ट चेक करेंगे, सबसे पहले इसकी हेल्थ मारेंगे, हेल्थ में कौन कौन से कोड पड़े हुए हैं, क्या हिसाब किताब, ये पूरी इसकी हेल्थ चेक हो रही है गाड़ी की, A to Z तक जो है ना इसका सिस्टम चेक हो रहे हैं, कहाँ कहाँ मसला है, कहाँ कहाँ एरर है, और ये एरर दे रहा है। ECM कंट्रोल में ड्यूल में बता रहा है, TCM में बता रहा है, ABS एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम में बता रहा है, EBD में बता रहा है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक में चेसिस में बता रहा है ये, ठीक है ना। ये इसको कोई चंद कोड जो है दिखा रहा है, इसे चेक करते हैं। अब जो है ना गाड़ियों का काम बहुत आसान हो गया, पहले जब ये स्कैनर वगैरह नहीं थे ना, मैनुअली गाड़ियों लोग तंग होते थे, जब से ये स्कैनर वगैरह आए हैं ना बिल्कुल काम गाड़ी का बेहद आसान हो गया। जो है ना पहले घंटों का काम था ना, जो होगा मिनटों में होने लग जाता, और हम स्कैनर लगाओ आपको उस मसले का फॉल्ट पता लग जाएगा कहाँ कहाँ फॉल्ट है। और जो है ना ये लॉन्च X431 Pro जो है ना, ये स्कैनर बिल्कुल फिट है हर गाड़ी के लिए। ये स्कैनर अगर आपके पास नहीं है ये आप ले लो, जो है ना बिल्कुल ही ओके है, ये स्कैनर हर गाड़ी को एक्सेप्ट करता है, हर गाड़ी की तकरीबन मोस्टली कैलिब्रेशन वगैरह ये वो सारा कुछ कर देगा, प्रोग्रामिंग वगैरह रिमोट की हो किसी चीज़ की भी हो ये कर देता होता है, ठीक हो गया। अब ये सारा कुछ आ गया, अब ये सारे इसमें फॉल्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम इसे क्लियर करेंगे, अगर ये परमानेंट होंगे तो नहीं जाएंगे, अगर ये टेम्परेरी होंगे तो कोड चले जाएंगे, ठीक है ना। अब हम इसे क्लियर करने लगे, ठीक है ना, ये अब ये यस कर दिए, अब ये क्लियर हो रहे हैं, परमानेंट होंगे तो खड़े रहेंगे, टेम्परेरी होंगे तो कोड चले जाएंगे, ठीक हो गया।
अच्छा इसकी तो जो है ना बाकी जो है ना इसकी स्पेसिफिकेशन इसने खुद ने ऑटोमेटिक सर्च कर ली है। अगर आप BMW में उसके सॉरी मर्सिडीज में लगाओगे या ऑडी में लगाओगे ना तो आपको इनपुट देनी पड़ती है इनका सारा डाटा गाड़ी का, इंजन चेसिस ये यही किसी ना, तो उनमें ज़रा ना मसला लोग घबरा जाते हैं। तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह ऑडी और उस पर मर्सिडीज़ पे, आपको समझाऊँगा उसकी स्कैनिंग वगैरह कैसे होती है, क्या हिसाब किताब है। ठीक हो गया ना, ये जी कोड क्लियर हो गए। अब कुछ कोड हैं जो रह रहे हैं, ठीक है ना, कुछ कोड क्लियर हो गए हैं, जो परमानेंट कोड हैं वो रह गए हैं। वो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक में बता रहा है और चेसिस में बता रहा है, ठीक है ना। अब ये चेक करते हैं हम, ठीक हो गया। सॉरी ये इससे नहीं आना था हमने, ये है ये ओके। फिर रीड फॉल्ट कोड वो द अनेबल द लाइन पार्किंग ब्रेक DSC करंट में बता रहा है, ठीक है ना, ये इस चीज़ में मसला आ रहा है। अब इस पर हम वर्किंग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्या मसला था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।